Om Shanti. आज का प्रातः क्लास है 22/9/1964 मंगलवार. रिकॉर्ड चला है. धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आएंगे. ओम शांति. ये किसने कहा और किसको कहा? क्योंकि जो भी अभी बाप बैठ करके समझाते हैं, सो भक्ति मार्ग में ये गाया जाता है. तो ये भी ऐसे ही है कि जब बाप आते हैं, जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं, वो ही आकर के धीरज देते हैं. और तो कोई धीरज दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सुख के दिन तो आएंगे ही जबकि बाप आएगा और सुख धाम ले जाएगा. ये तो है ही दुख धाम. सुख के दिन कब आवेंगे? जब बाप आएगा और कहाँ ले जाएगा? बाप सुखधाम ले जाते हैं या शांति धाम ले जाते हैं? है? मुरली क्या कहती है? सुखधाम ले जाएगा. शांति धाम नहीं ले जाएगा. है? अरे यहाँ दो बेहद के बाप हैं. एक है शांति धाम का वासी और एक है शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, तीनों का वासी. परंतु शांति धाम का वासी बाप किस में आते हैं? है? उसमें आते हैं जिसको त्रिलोकी नाथ का टाइटल देते हैं. कहते हैं मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ और तुम तो त्रिलोकी नाथ हो. कौन कौन से तीन लोक? शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम के. दुख धाम के भी मालिक? हाँ. कहते हैं सुख धाम की दुनिया मेरी है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है, तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? तो त्रिलोकी नाथ गाया हुआ है और शांति धाम का वासी त्रिलोक धाम के वासी बाप में आता है. तब कहा सुख धाम ले जाएगा. शांति धाम का वासी बाप ले नहीं जाता है सुख धाम, फिर क्या करता है? है?
जैसे 500 करोड़ आत्माओं को पार्ट बजाने के लिए रंगमंच पर भेजता है, ऐसे ही तुम बच्चों को भी क्या करता है, भेजता है, खुद नहीं लेकर जाता है। ये तो है ही दुखधाम, और दुखधाम से सुखधाम ले जाने वाला तो है ही बाप। कौन सा बाप है? आत्माओं का बाप सुखधाम ले जाने वाला नहीं है, हैं? दुखधाम से सुखधाम नहीं ले जाएगा, कब ले जाएगा, हैं? कौन से युग में ले जाएगा? संगम में ही ले जाएगा ना, तो संगम के लिए कहें तो संगम में बाप ही सुखदान भेजते हैं, खुद जाते हैं, हैं? खुद नहीं जाते हैं, पर कहा जाता है ले जाने वाला, वो तो गायन भक्ति का है। क्या है? धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे। ये सभी भक्ति के गीत हैं। यहाँ बाप बैठा हुआ है, वो बोलते हैं कि बच्चे तुम जानते हो, बच्चों को कहने की दरकार नहीं पड़ती है, ये तो बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं और हम सुख की राजधानी स्वयं स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। इसको कहा जाता है डिवाइन मत। दो मत होती है ना, एक होती है डिवाइन मत और एक होती है अनडिवाइन मत। डिवाइन मत सिर्फ एक की ही होती है, जिसको कहा जाता है श्रीमत। अनडिवाइन मत मना आसुरी मत, तो आसुरी मत और श्रीमत, इन आसुरी मत और श्रीमत को भी तुम समझते हो। अनडिवाइन मत और डिवाइन मत, अंग्रेजी में डिवाइन समझते हो, पतित मत पावन मत। डिवाइन कहा जाता है पावन को और अनडिवाइन कहा जाता है पतित को। डिवाइन का शुद्ध हिंदी शब्द क्या है? दिव्य। तो पतित मत है और पावन मत, और ये तो है ही पतित दुनिया, इसमें पावन मत वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि पावन मत वाला तो सिर्फ एक ही होता है। क्यों है?
पावन मत वाला सिर्फ एक ही क्यों होता है? जन्म मरण के चक्कर में नहीं, क्योंकि वो एक ही है जिस पतित दुनिया में संग के रंग में नहीं आता है और बाकी सब संग के रंग में आ जाते हैं। उसको पतित पावन कहा जाता है। पतित पावन को तो इस समय तक भी बहुत याद करते हैं। अब तक भी क्यों याद करते हैं, जबकि सारी दुनिया पतित हो गई? क्योंकि पतित दुनिया है तो याद करते रहते हैं। अगर पावन दुनिया होती तो फिर याद किसको करते? कोई भी याद नहीं करते कि पतित पावन हो। याद करते हैं तो जरूर ये सृष्टि पतित है। इस सृष्टि में कोई भी पावन हो नहीं सकता। पावन सृष्टि सतयुग को कहा जाता है। पतित सृष्टि कलयुग को कहा जाता है। जब तक डिवाइन फादर ना आए तब तक पतित सृष्टि पावन नहीं हो सकती है। और यहां तो है ही सभी अनडिवाइन। कलयुग है ही पतित युग, तो वो क्यों आएंगे? पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने आएंगे। डिवाइन तो यहां बहुतों को कहते हैं। यूं तो डिवाइन अगर कहें तो कन्याएं भी डिवाइन है, पावन है ना। कुमार भी डिवाइन है यानी पावन है। परंतु नहीं, फिर भी उनको पतित जरूर बनने का है, यानी विकार से जन्म जरूर लेने वाले हैं। यहां इसलिए इस विकारी दुनिया में कोई भी डिवाइन नहीं होता है। डिवाइन हमेशा कहा जाता है निर्विकारी को। बरोबर निर्विकारी तो होते ही है निर्विकारी दुनिया में। उसको कहा जाता है वॉइसलेस दुनिया, यानी संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तो जबकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है तो जरूर संपूर्ण निर्विकारी दुनिया भी होगी। उसको कहेंगे संपूर्ण अनडिवाइन दुनिया, फिर उसको कहेंगे संपूर्ण डिवाइन दुनिया। तो बच्चे जानते हैं कि संपूर्ण डिवाइन दुनिया तो कहा ही जाता है सतयुग को। संपूर्ण निर्विकारी तो होते ही है सतयुग में, कलयुग में तो हो ही नहीं सकते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हैं, तुमको धीरज आया हुआ है, तो तुमको धैर्यवत किसने बनाया? डिवाइन फादर ने बनाया। क्योंकि बहुत मनुष्य सबको महात्मा कह देते हैं और महात्मा का अर्थ ही निकालते हैं डिवाइन जीवात्मा। जीव तो जरूर कहेंगे ना,
सिर्फ डिवाइन आत्मा नहीं कह सकेंगे, डिवाइन आत्माएं सिर्फ या तो अपनी निराकारी दुनिया में होती हैं, या तो फिर सतयुग में रहती हैं। 22/9/1964 की वाणी का दूसरा पेज। डिवाइन मनुष्य जिनको कहा जाता है पवित्र मनुष्य, वो तो पवित्र दुनिया में ही होंगे, ये तो है ही अपवित्र दुनिया। इससे सिद्ध होता है कि अपवित्र दुनिया को पवित्र बनाना वो तो उस निराकार डिवाइन फादर का काम है, जो कभी भी विकारी होता ही नहीं है। कौन है? कौन कभी भी विकारी होता ही नहीं है? आत्माओं का बाप कभी भी विकारी होता ही नहीं है, ये तो तुम बच्चों को मालूम है, और तुम बच्चों को धीरज तो मिलता है कि बच्चे अभी तो सतयुग आ रहा है, वो तो तुम बच्चे जानते हो। परंतु जिनको दुख होता है तो समझते हैं कि बाबा हमको दुख से छुड़ाए, जल्दी सुखधाम में ले चले। परंतु नहीं, धीरज तो धरना पड़ेगा। ड्रामा अनुसार समय लगता है, किसको भी सुखधाम ले जाने के लिए या सुखधाम स्थापन करने के लिए है, समय क्यों लगता है? अरे भगवान आया हुआ है, चुटकी में कुछ भी कर सकता है, समय क्यों लगता है? क्योंकि भगवान भी प्राकृतिक नियमों को तोड़ता नहीं है। कहते हैं मैं भी रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। पट से तो नहीं दुखदाम विनाश हो जाएगा, नहीं सुखदाम स्थापन हो जाएगा, टाइम लगता है ना। देखो तुमको कितना टाइम लगा है बताओ, है कितना टाइम लगा है, और अभी भी टाइम बाकी है या नहीं है? है तो कितना टाइम लगा है? अरे तुमको दुखधाम खलास करके सुखधाम जाने में कम से कम कितना टाइम लगा या लगता है? 100 साल? 36 से तुम पुरुषार्थ करते हो, और 36 से लेकर के 37 से लेकर अब तक कितने साल हो गए हैं? तो इतना लंबा टाइम, और अभी भी कुछ टाइम पड़ा है, तो सुखधाम फट से तो नहीं स्थापन हो जाता, टाइम तो लगेगा ना। ये सारी प्रतिसृष्टि कितनी बड़ी है, क्या कहा? प्रतिसृष्टि बड़ी या पावन सृष्टि बड़ी?
कितनी बड़ी है, मनुष्यों की ही दुनिया में समझ लो कितनी बड़ी है, 500-700 करोड़ की बड़ी सृष्टि। और नई सृष्टि नौ लाख, सत्यु के आदमी ही 9 लाख हो जाएंगे हैं? अरे 4.5 लाख माने सत्यु को याद रहता है, संगम भी को याद नहीं रहता है। संगम में नई सृष्टि जब स्थापन होगी तो 4.5 लाख की स्थापन हो जाएगी। तो पति सृष्टि कितनी बड़ी, उनमें भी जबकि तुम लोग लायक बनो ना, तुम लोग जानते हो अपने अंदर से पूछो तो तुम खुद ही कहेंगे हम अभी पूरे लायक नहीं बने हैं स्वर्ग में जाने के लिए। जरूर हमारे में कुछ न कुछ नालायकी होनी चाहिए, तब हम नरक में पड़े हैं। अगर लायकात होती तो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, अगर नालायक से लायक बन जाते तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। लायकात माना कर्मातीत, कर्मातीत माना है कर्म से अतीत। क्या मतलब कर्म से परे का क्या मतलब? कर्म यहाँ पड़ा रहे हम वहां पड़े रहे है, मना भल कर्म इंद्रियों से कर्म करें, लेकिन कर्म इंद्रियां हमको अपने बंधन में बांध नहीं सकती। कर्म इंद्रियों के प्रभाव से हम परे चले जाए, परंतु देह अभिमान होने के कारण कोई कोई समझ बैठे हैं कि हम तो लायक बन गए। क्या कौन समझ बैठे, कोई है यहाँ जो समझ बैठा हो कि हम लायक बन गए? है जो समझ बैठे हैं कि हम तो लायक बन गए, हमको बाबा ने महलमानियां अटारियां सब कुछ दे दिया, सारी दुनिया की संपत्ति के अब हम मालिक बनने वाले हैं, हम तो संपूर्ण बन गए हैं, इसलिए हमको तो फिर श्रीमत की भी दरकार नहीं है। क्या अपन को श्रेष्ठ समझ लेते हैं, इसलिए फिर उनको याद भी नहीं करते हैं। किनको हैं? उनको क्यों कहा? क्योंकि याद करने से ही तो मनुष्य श्रेष्ठ बनेंगे। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कह देंगे हम अभी निरंतर बाप को याद करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। कोई भी अंदर में भी अपन को न समझे कि हम याद में नित्य रहते हैं, याद में नित्य रहे तो और क्या चाहिए। समझो कि कोई एक दिन याद में रह लिया सारा दिन तो फिर क्या होगा हैं? अरे कोई सारा दिन कपसीट के दांती भींच के बैठ जाए और याद कर ले तो क्या हो जाएगा?
कर्मातीत अवस्था हो जावे। कितना टारगेट बताया है याद का? 8 घंटे लगातार सारे दिन में, तो 24 घंटे होते हैं। तो देखो सारा दिन याद में बैठे रहे ये बहुत मुश्किल है। नहीं, बाबा की याद में रहना ये बहुत मुश्किल। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि बच्चे ये तो तुम जानते हो कि बरोबर हम पुरुषार्थ ही कर रहे हैं, सुखधाम में जाकर अपना राज भाग लेने के लिए। कोई तो राज भाग लेने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, कोई तो वहां सुखधाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। क्या फर्क है दोनों में? हैं? जो राज भाग लेने के लिए पुरुषार्थ करते हैं वो राजघराने में आते हैं, और कोई सिर्फ जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। कहाँ? स्वर्ग में। तो वो क्या बनेंगे? प्रजा बनेंगे। तो कहेंगे उनका कोई एम ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि वो श्रीमत को नहीं समझते हैं। हैं? श्रीमत क्या कहती है? सी सी की श्रेष्ठ मत क्या कहती है? राजा बनना है या प्रजा बन करके बरीड होना है? हैं? राजा बनना है, और कोई राजा ना बने हैं? प्रजा ही बन जावे। तो श्रीमत की अवहेलना हुई या नहीं हुई? हैं? ये तो श्रीमत की अवहेलना हो गई। जो प्रजा वर्ग में जावेंगे वो फिर पवित्र रहो, योगी रहो। बाबा का डायरेक्शन है पवित्र बनो, योगी बनो। ये पवित्रता का डायरेक्शन फॉलो करेंगे प्रजा बनने वाले? नहीं करेंगे। पवित्रता का डायरेक्शन कौन फॉलो करेंगे? जो राज परिवार में आने वाले होंगे। क्या? राज परिवार। बाप जो आकर के राजा स्थापन करते हैं उस राज कुल में आने वाले होंगे। तो देखो प्रजा वर्ग वाले श्रीमत को नहीं समझते हैं। हम अपने दिल के अंदर देखता हूं कि हमारे में तो विकार है, हमारे में तो अभी बहुत कमियां हैं, हम तो अभी कह ही नहीं सकेंगे, हम तो इतना पद पा भी नहीं सकेंगे। कितना है? राज घराने में आने का इतना पद माने कितना पद? राज घराने में आने के लिए नीचे से नीचा पद कितना होगा? 16108वां नंबर को क्या कहेंगे? राज घराने में आने का सबसे नीचा पद 16108 में से लास्ट नंबर। समझेंगे हम तो इतनी दौड़ी पे ही नहीं सकेंगे। कौन सी दौड़ी? निरंतर याद की दौड़ी। तुम्हारी यात्रा भी तो यही है ना? या ऐसे नहीं है कि कोई अपन को मियां मिट्टू समझ करके बैठ जाए कि मैं तो संपूर्ण हो गया? नहीं है। संपूर्ण कहाँ रह सकते हैं?
जो संपूर्ण है बनने वाले वो कहाँ रहते हैं? सतयुग में नहीं, यहाँ की बात हो रही है, है? नहीं, संपूर्ण रहते ही है शिवालय में। आलय माने घर, शिवालय माने किसका घर? शिव का घर। तो जो संपूर्ण बनने वाले हैं वो बाहर की दुनिया में रहेंगे, बाहर की दुनिया का संग का रंग लेंगे कि शिव के घर का संग का रंग लेंगे? और शिवालय कहा ही जाता है नई दुनिया को, सतयुगी नई दुनिया। जब संपूर्ण बन जाएंगे तो फिर हम शिवालय में जाएंगे। मंदिर या टिकाने में सिर्फ एक नहीं रहते हैं, शिव का मंदिर या लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं, यहाँ तो सारा शिवालय बनता है, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। एक शिवालय में लक्ष्मी नारायण का राज्य, मंदिर में राज्य तो नहीं करते हैं। जब सतयुग को शिवालय कहा जाता है उसमें सभी देवी देवताएं राज्य करते हैं। पीछे पूजा के कारण वो जो मुख्य हैं लक्ष्मी नारायण या फलाना एक, क्योंकि सबका तो कहा नहीं जा सकता, कहें तो एक ही बात हो जाएगी। 22964 की वाणी का तीसरा पेज, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाओ तो एक ही बात हो जाती है, तो जरूर पूजा होती है। सो तो पूजा जरूर पहले की ही होगी। तो बरोबर लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। तो अभी वो मंदिर बांध है क्योंकि जड़ है ना, तो बांध है। जैसे चैतन्य राजधानी स्थापन करते हैं तो इसे सारा विश्व कहेंगे, भले भारत में है, परंतु जब भारत में है तब है तो विश्व के मालिक ना, क्योंकि दूसरी तो कोई राजा ही है नहीं, वो अकेला ही है। तुम जानते हो कि अभी हम अपने लिए अकेले फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। कौन सा राज्य? डिवाइन राज्य। और इस दुनिया में तो ये सभी है अनडिवाइन राज्य, वो हुआ पावन राज्य। तो पावन राज्य में जाने के लिए पहले तो पावन बनना चाहिए ना। उसमें जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसमें? डिवाइन राज्य में जाने के लिए अच्छी मेहनत रहती है, क्योंकि जहां तक जीना है तहां ये याद भी रखनी है और ये ज्ञान की वर्षा भी होती रहनी है। कब तक होती रहेगी ज्ञान की बरसात? है जीना है तो मर जा, है देह अभिमान में जब तक जीते हैं तब तक ज्ञान की बरसात भी होती रहती है।
तो ये याद रखना है। याद भी कब तक रखनी है? हैं? जब तक जीना है तब तक याद भी रखनी है। भिन्न भिन्न प्रकार से ये समझाया जाता है। बाकी यहां इस दुनिया में तो डिवाइन बहुतों को कह देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण के सिवाय यहां जो भी होकर गए हैं उनको कह सकते हैं, बाकी यहां के लोगों को तो कोई डिवाइन नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जब त्रेता अंत में माया आ जाती है तो फिर डिविनिटी कहां से आई? तो तुम बच्चे जानते हो कि सन्यासी जा रहते हैं परंतु किस दुनिया में है? पति दुनिया में है बरोबर। सन्यासी तो विकार से ही पैदा होते हैं, वो जानते भी हैं कि ये नागिन है तो फिर छोड़ कर चले जाते हैं। फिर भी उसी नागिन द्वारा ही तो तुमको जन्म मिलता है। सन्यासी दोबारा जन्म लेते हैं कि नहीं? लेते हैं। तो उनसे पूछा जाए अगर स्त्री नागिन है तो तुम शरीर छोड़ेंगे तो कहां जन्म लेंगे? बरोबर। सन्यासी तो विकार से पैदा होते हैं। ये थोड़े ही उनको कुछ मगज में बैठता है कि नागन कहकर चले जाते हैं ये सन्यासी शंकराचार्य के, तो वो समझते हैं कि वो बहुत अच्छा करके गया। कौन कहते हैं नहीं अच्छा करके गया? कौन अच्छे करके गया? किसको समझते हैं? किसके फॉलोअर्स? शंकराचार्य के बारे में बात हो रही है कि वो समझते हैं कि शंकराचार्य तो बहुत अच्छा करके गया। नहीं, उन्होंने आकर के ये सन्यास धर्म स्थापन किया तो जरूर कहेंगे भारत में उन्होंने बरोबर अच्छा काम किया, इसलिए उनकी महिमा है। परंतु ऐसे तो नहीं है कि अच्छा काम किया तो अच्छा उनका काम ठहरा रहा है। शंकराचार्य 1500 साल पहले आए, उन्होंने अच्छा काम किया, भारत के राजाओं को यथा राजा तथा प्रजा को पवित्रता के लिए थमाया, तो क्या भारत और भारतवासी पवित्र बने रहे? और ही पतित बन गए बाद में। तो अच्छा काम उनका किया हुआ फिर बुरा हो जाता है। देखो, बाप का अच्छा कर्तव्य किया हुआ तुमको स्वर्गवासी बनाने के बाद फिर भी वो नर्कवासी बन जाते हैं, वैसे वो भी ऐसे ही है। परंतु उनको ये नॉलेज का तो पता ही नहीं है ना कि शंकराचार्य अभी कहाँ है? हैं? वो क्या समझते हैं भक्त लोग? शंकराचार्य पार निर्वाण गया। उनकी जो संस्था है, जो टारी है, वो भी पुरानी तो बनेगी ना। गाया तो जाएगा ना कि बरोबर शंकराचार्य आए थे और भारत को पतित से पावन बनाने के लिए सन्यास धर्म की स्थापना की।
धर्म स्थापन किया, अभी भी वो धर्म है। बरोबर उनकी महिमा होती है, तो जो भी सन्यासी हैं उनकी महिमा है। विवेकानंद राम तीर्थ ये क्यों आए? क्यों गाए जाते हैं? क्योंकि ये शंकराचार्य के ही पिछाड़ी वाले हैं, जो फिर आते रहते हैं, क्योंकि जो नए नए अच्छे पावरफुल बीच बीच में आते हैं वो अपना ही शो करते हैं, तो उनका शो होता है बरोबर, परंतु वो अभी रहे कहां पड़े हैं? है? उनके फॉलोअर समझते हैं कि मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया, परंतु बाप क्या कहते हैं? ये तो वैश्यालय में पड़े हुए हैं, उसमें ही रहे पड़े हैं, इसको शिवालय तो नहीं कहेंगे ना। शिवालय नाम ही पड़ा है, शिव का स्थापन किया हुआ, उसे कहते हैं स्वर्ग या सतयुग। सत्य बाप का स्थापन किया हुआ यज्ञ, स्वस्थिति में सदा रहने वाले के द्वारा स्थापन किया हुआ युग या स्वर्ग। अभी इस बात को और कोई मनुष्य तो बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि यहाँ तो समझने की बातें होती हैं। पहले कोई समझे, यहाँ आकर के कोई बैठ जाएगा, अचानक कोई आके बैठ जाए तो बेचारा कुछ भी नहीं समझेगा। इसलिए सात रोज एम ऑब्जेक्ट समझो, पीछे फिर यहाँ बैठ सको। ऐसे कोई भी पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं कहा जाता है कि सात रोज बैठो, पीछे इंजीनियरिंग कॉलेज में आकर के बैठना। ये सात रोज आकर के समझो, बाद में कोई मेडिकल कॉलेज में बैठना है या बैरिस्टरी में बैठना है। 22/9/1964 की वाणी का चौथा पेज, यहाँ तो लक्ष्य दिया जाता है। क्या यह लक्ष्य दिया जाता है? नर से नारायण बनो। तो जो लक्ष्य दिया जाता है कि पहले पहले नर से नारायण बनाने वाले को तो समझो, है? अर्जुन क्या था? नर था, उसको भगवान ने गीता ज्ञान दिया, तो क्या बना? नर से नारायण बना। तो नारायण बनाने वाला कौन है? एक ही गॉडफादर है, उस गॉडफादर को तो पहले पहले समझो। फादर को समझने बगैर तुम फादर के आगे बैठ करके समझो, क्योंकि तुम बच्चे हो ना। बाप भी कहते हैं मैं तो बच्चों की सेवा करने आया हुआ हूं ना। कौन से बच्चों की सेवा करने आया हुआ हूं? वो ही कल पहले वाले। अभी मुझे कैसे मालूम पड़े कि ये कल अब पहले वाले बच्चे हैं? है? जब तक कि वो समझे, उनकी बुद्धि में बैठे, तब उनको कहा जाए कि हाँ आओ,
आकर के भले आज समझो, क्योंकि समझ गया। बाबा पूछते हैं कहां तक निश्चय हुआ है, पूछना तो होता ही है ना। ये कोई ऐसा गामड़ू सत्संग तो नहीं है ना। दूसरे सत्संग में जो बैठते हैं वो जानते हैं कि ये महात्मा हमको गीता सुनाते हैं, ये महात्मा हमको वेद सुनाते हैं, ये महात्मा हमको फलानी चीज सुनाते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो कि यहाँ कोई महात्मा महात्मा नहीं है। क्या कहा है, यहाँ कोई महान आत्मा नहीं बैठा हुआ है। महात्मा किसे कहा जाता है? महात्मा मन महान आत्मा। यहाँ तो बाप है। क्या कहा? वो बाप क्या कहते हैं मुरली में, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ, तुम अच्छे काम करते हो तो भी कौन आया हुआ है, तुम्हारे अच्छे कामों का भी बाप आया हुआ है, और तुम बुरे काम करते हो तो भी बुरे में भी तुम्हारा बाप आया हुआ है। बाकी कोई यहाँ महात्मा नहीं बैठा हुआ है। तो बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, तो पहले जब निश्चय हो जाए कि पढ़ाने वाला कौन है, तब तक क्या पता पड़ेगा। वहां मालूम होता है ना कि हमको गीता सुनाते हैं, ये हमको वेद सुनाते हैं, ये हमको राज विद्या पढ़ाते हैं। यहाँ क्या होता है? यहाँ तो उनमें कोई भी चीज नहीं है, न कोई शास्त्र की बात, न वेदों की बात, न पढ़ाई की। ये तो तुम बच्चे जानते हो कि बाबा पढ़ाए रहे हैं इन द्वारा है? किन द्वारा? इन क्यों कहा, इसे क्यों नहीं कहा है? क्योंकि जिनके द्वारा पढ़ाते हैं वो माता पिता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, जगत पिता जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। तो कहा इन द्वारा पढ़ाए रहे, जिनके द्वारा पढ़ाए रहे हैं वो कौन हुए? हमारे माता पिता। अभी ऐसा तो कोई सत्संग नहीं हो सकता है ना। तो जब तक ये ना समझे कि पढ़ाने वाला कौन है, क्या पढ़ाते हैं, तो यहाँ आकर के क्या करेंगे हैं? फिर यहाँ आकर के गुटखा खाते रहते हैं। या अंदर में उनके वाइब्रेशन गंदे निकलते रहेंगे, गंदे वाइब्रेशन निकलते रहेंगे तो सारा वायुमंडल खराब कर देंगे हैं? जिनके अंदर से गंदे वायुवेशन निकलते हैं यहाँ बैठ करके, वो बाप को कैसी आंख से देखते हैं, कानी आंख से या अंधे होकर? क्योंकि बाबा समझा रहे हैं कि यहाँ जो भी बैठे हुए हैं सो सभी तो ऐसे नहीं है। बाबा की याद में बैठ करके सुनते हैं, या यहाँ बैठे हुए कोई समझते हैं कि बरोबर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं, ऐसे सब समझते हैं क्या? नहीं, यहाँ ये नहीं समझते हैं सब। यहाँ बहुत बैठने वाले हैं परंतु वो पुराने तो आ गए हैं ना, तो वो समझते ही नहीं हैं। तो कब समझने वाले नहीं हैं? हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, वो नहीं समझते हैं।
और यहाँ ऐसे बहुत हैं। बाबा अभी भी कहते हैं, भले ही 20 वर्ष के हो गए हों पढ़ते पढ़ते, तो भी नहीं समझते हैं। क्या कहा? क्या नहीं समझते हैं कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं? ये बड़ा मुश्किल है जो यहाँ भी ऐसे समझते हैं यथार्थ रीति, क्योंकि यदि पढ़ाने वाला यथार्थ बुद्धि में हो तो उनको तो सारा दिन स्टूडेंट लाइफ में बुद्धि में पड़ा रहना चाहिए कि बरोबर हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, फलाने के हैं और हमको ये डायरेक्शन देने वाला है। वो तो भूल जाते हैं बहुत। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं तो जरूर, क्योंकि ये तो खुद बाप ही कहते हैं कि मुझे अपने पढ़ाने वाले को भूल जाते हैं। स्टूडेंट हूं, बाप भी हूं, गुरु भी हूं, ये किसने कहा है? शिव बाबा कहते हैं मैं गुरु भी हूं, बाप भी हूं और स्टूडेंट भी हूं। शिव बाबा स्टूडेंट है? शिव बाबा स्टूडेंट है या शिव बाबा जिसमें पढ़ाते हैं वो स्टूडेंट है? तो तीनों को इकट्ठा याद करने की मेहनत पड़ी हुई है। वो तो हर एक मनुष्य की बुद्धि में है कि हमको पहले बाबा मिलता है, फिर टीचर मिलता है, फिर गुरु मिलता है, पर दुनिया में तो वो अलग अलग मिलते हैं। और यहाँ हमको एक ही है जो हमारा बाप भी है और टीचर भी है और गुरु भी है। तो अलग अलग याद दुनिया में करते हैं क्योंकि अलग अलग मिलते हैं। और यहाँ हमको एक को ही याद करना पड़े। और फिर है बहुत सहज, परंतु माया याद नहीं रखने देती है, घड़ी घड़ी बुद्धि का युग तोड़ देती है। तुम बच्चे बरोबर बैठते होंगे, ट्राई करते होंगे, बाबा थोड़े ही कहते हैं कि नहीं ट्राई करते होंगे, जरूर ट्राई करते होंगे। देखो हमारा दर्जी बैठा हुआ है, ये सरदार वो भी कोशिश करते होंगे कि मैं भी बड़ा मशीन चलाऊं। दर्जी किसको बताया? सरदार। दर्जी क्या करता है? हैं? फटे पुराने कपड़े हों तो उनको भी जोड़ देता है, नए नए कपड़े हों उनको भी जोड़ देता है, पुराने कपड़ों में नए कपड़ों का जोड़ भी कर देता है। वो तो हद की बात होगी, हद के दर्जी की बात होगी। यहाँ है, यहाँ तो बेहद के दर्जी होता है, बेहद के कपड़े, कपड़े माने है चैतन्य शरीरधारी मनुष्य आत्माएं कपड़े हैं। तो कोई ज्ञान में चलते चलते पुराने हैं टूट गए तो दर्जी क्या करता है? हैं? उन टूटे हुए पुराने कपड़ों को ला करके उठा उठा करके जोड़ देता है। तो देखो ये उसकी मशीनरी चलती रहती है। तो जो हमारा सच्चा बाबा है उनको याद भी करता रहूं तो पुरुषार्थ करते रहेंगे। 22964 की वाणी का 5वां पेज, चलो बैठ करके ये मक्खन निकालते हैं।
वहां तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, कोई हंगामे की बात नहीं है। वहां भी बैठ करके शिव बाबा की याद में बाबा की यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हूं। ये बात बुद्धि में रहे। अरे बात मत पूछो, कितनी खुशी की बात हो जाएगी। क्या पुरुषार्थ करने में, मक्खन निकालने में है। बेसिक में क्या करते थे है, वहां मक्खन निकालते थे, मक्खन के गोले निकालते थे कि कृष्ण का गायन है मक्खन के गोलों का। मक्खन के गोले दिखाते हैं शास्त्रों में कि मक्खन के गोले कृष्ण और कृष्ण के सखा निकालते थे, तो तुम कौन हो, मक्खन के गोले निकालने वाले हो या प्रजा वर्ग की आत्मा निकालने वाले हो। अरे बात मत पूछो, कितनी खुशी की बात हो जाती है। क्या कि वो बेसिक वाले तो प्रजा वर्ग की आत्माएं निकाल रहे हैं और हम तो मक्खन के गोले निकाल रहे हैं। बाबा मैं यज्ञ के लिए भंडारा बना रहा हूं, भोजन बनाती है वो सिर्फ यही ख्याल में रहता है कि बाबा हम आपकी सेवा में यज्ञ के लिए बच्चों के लिए भोजन बनाती हूं। याद तो करके दिखला बे, कितनी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बिचारी भूल जाएगी, कौन खाना बनाने वाली, भोली दादी बुबू बाबा की बुद्धि में आ गई, भूल जाएगी तो फिर पुरुषार्थ करना पड़े। तो एक दो को पुरुषार्थ करने वाला कराने वाला चाहिए, जबकि एक दो जैसा होवे जो कहे कि शिव बाबा को याद करके बनाती हूं, क्योंकि शिव बाबा को भोजन लगने वाला है, वह ब्राह्मणों को भोजन लगने वाला है, इसलिए शिव बाबा की याद में बनाएंगी, पीछे तो उनमें बड़ी ताकत आ जाएगी। चलो हम और तुम दोनों बैठते हैं शिव बाबा की याद में। घड़ी घड़ी एक दो से पूछो, क्या शिव बाबा की याद है, है? हद का भोजन बनाने वाली बात या बोहद का भोजन भी बनाने वाली बात। तो बेहद का भोजन वो भोली दादी भांडे में गई। घड़ी घड़ी एक दूसरे से पूछो, तुमको अगर वो याद का मिले ना तो तुम्हारी अवस्था बहुत ही अच्छी हो जाए। क्या याद का मिले, वो याद का भोजन मिले तो तुम्हारी अवस्था बड़ी अच्छी हो जाए, ताकत आ जाएगी। परंतु ड्रामा में नहीं है, क्या कहा है, किस समय की बात बताई है, ये 64 की बात बताई कि याद में बनाया हुआ भोजन मिले, चाहे हद की याद में बनाया हुआ भोजन चाहे बेहद की याद में बनाया हुआ भोजन मिले, वो अभी ड्रामा में नहीं है। माने 64 में इतनी गहरी याद, इतनी गहरा ज्ञान बुद्धि में था ही नहीं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। कहते हैं कि देवताओं को भी ब्रह्मा भोजन की दिल होती है। क्या जिससे ये बने हैं, कौन बने हैं ये देवताएं,
जिस ब्रह्मा भोजन से ऐसे श्रेष्ठ देवता बने हैं उनको भी दिल होती है। कब की यादगार है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में देवताएं कहां हैं? है? कोई देवताएं हैं? बन रहे हैं, अभी है नहीं ना, तो दिल किसको होती है? देवता, जब देवताएं हैं ही नहीं तो दिल कहां से होगी? है? ब्रह्मा सरस्वती जो भी आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, वो सतयुग में देवता नहीं बनेंगे? है? बनेंगे ना, पक्का है कि बीच में जन्म लेंगे? जन्म तो नहीं लेंगे, देवता बनने का पुरुषार्थ उन्होंने साकार शरीर से पूरा किया ना, तो देवता तो बनेंगे। तो वो देवताओं की अभी दिल नहीं होती होगी क्या, कि हम भी ब्रह्मा भोजन खाएं? ब्रह्मा भोजन के लिए वो देवताएं तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? हैं? क्यों तरसते हैं? क्योंकि 64 में जब ये मुरली चली, चलाने वाले ने चलाई, शिव बाबा ने जिसके द्वारा चलाई, चलो वो भी देवता बनेगा। उस समय उनकी बुद्धि में आया कि वेद का भी कोई भोजन होता है, हैं? हैं? नहीं कि वेद का भोजन हम बाबा की याद में रह करके बनावे, तो वेद का भोजन बाबा की याद में रहकर बनावेंगे तो देवताओं को बहुत बहुत खुशी होगी।